चैनल बैंड ऑफ मैनचेस्टर यूके से आज हम अपना एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। एवरी संडे हम करेंगे संडे ब्रंच विद दरवेश खान। तो उसमें हम हल्के फुल्के अंदाज में सारे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, शोबिज़ हो, स्पोर्ट्स हैं, सोशल इशूज पे, हल्के फुल्के अंदाज में इस पर तबसरे करेंगे, आपको महसूस करेंगे और आपकी आरा के मुंतजिर रहेंगे। तो उस वक्त जो कुछ हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं तो रेहम खान की शादी के हवाले से हैं कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है, उनके जो हस्बैंड हैं बिलाल बेग उनकी शायद दूसरी है, इमरान खान तीन कर चुके हैं, हमारी एक भी नहीं हो रही है, और पारिस रूफ ने भी शादी कर ली है, शाहिन आफरीदी फरवरी में, शादाब खान भी पर तोड़ रहे हैं। तो देखें कौन कौन शादी हुए, शादियों का सीज़न लग रहा है और चल रही है इस हवाले से। और जहाँ तक क्रिकेट में, अब रवि राजा की जगह निलम सेठी आ चुके हैं, पहले बहुत चले गए, उन्होंने बोर्ड चलाया कंपटीशन से, लेकिन जाहिर बात है उनका जो शोभा है वो जर्नलिज्म का है, तो वो थोड़ा सा चीज़ें काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो एक इशू है वो मुसलसल चला रहा है सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया पर। इस पर नजम सेठी साहब ही बेहतर तौर पर तबसरा कर सकते हैं, हम तो सिर्फ लोगों के जो जहनों में सवाल आते हैं उनको सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी रह गया सियासत का, तो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वीडियो लीक्स जा रही हैं, इमरान खान कह रहे हैं इसमें नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ी एक बहस है और उसमें काफ़ी लोगों के मुख्तलिफ आ रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहन में आ रही हैं कि अखलाक गिरावट इस तक हो गई है कि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और हमारे पूरे सोसाइटी को और चीज़ों को वो तबाह बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। तो देखें उसमें अब क्या होता है आगे, सच्चाई कहाँ तक पहुँचती है, क्या नहीं होता। और तीसरी चीज़ जो है आपके सियासत के हवाले से कि हमारी जो सियासत है वो रस्सा कशी और चीज़ें चल रही हैं उसमें, मुल्क का उसमें बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो देखें अब कहाँ पे जाके अगले साल इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, उस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क लगते चले आ रहे हैं। देखें अब आते हैं चौथी चीज़ के, अपना जो पाकिस्तानी जो है 7.5 लाख मुल्क छोड़ के चले गए हैं जी, अजाब कैद नहीं, बंदिश या नमाज नहीं, हमारे पास तो हिजरत का भी जवाब नहीं है, अंजुम ख्याली ने कहा था। और बकौल इफ्तिखार आरिफ के, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर ब शहर, शिकम की आग लिए फिर रही शहर ब शहर, हम क्या और हम शगे ज़माना है, हम क्या और हमारी हिजरत क्या। और मोहसिन चंगेजी भी याद आ रहे हैं कि जी किस कर्म में हिजरत की सज़ा काट रहे हैं, किस कर्म में हिजरत की सज़ा काट रहे हैं, मिट्टी से बगावत की सज़ा काट रहे हैं। और जो माशी हालात हैं और जो सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसमें आए दिन कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, हर रोज़ के जी हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें आजकल शाहरुख खान की फिल्म पठान के बहुत चर्चे हैं कि भाई ये उसमें क्या गाना गाया है, और ये कहीं वो है कि भानमती ने कुंभा कहीं की हीट को कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, तो वही वाला मामला चल रहा है, शायरी कहीं से उठाई, म्यूजिक कहीं से उठाया, गाया किसी ने, और जो कुछ कपड़ों के नाम पे दीपिका ने पहना हुआ था, क्या वो कहा था कि लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, यहाँ तो मिटाने के लिए छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं, सब कुछ दिखाने के लिए। और पता नहीं पठान इस तरह की, माय नेम इज़ खान और इस तरह की चीज़ें, पता नहीं कितनी फिल्में शाहरुख खान प्रोड्यूस करते रहेंगे, बनाते रहेंगे अपने आप को पठान साबित करने के लिए। तो बाद लोग कहते हैं भाई समझ में नहीं आ रहा है कि आगे से पढ़ाने या पीछे से पढ़ाने, जाने अपना अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट संडे मिलते हैं संडे ब्रंच विद दरवेश खान। अल्लाह हाफिज़।